बीपीएससी की तैयारी करने वाले तलबा की पहली पसंद बना हज भवन कोचिंग अपने आप में एक मनफरिद इदारा बन गया है। हज भवन कोचिंग के कोऑर्डिनेटर मोहम्मद राशिद हुसैन काफी कामयाबी के साथ कोचिंग की कयादत कर रहे हैं। एक बड़ी तादाद में तलबा यहां से फारिग होकर मुल्क की खिदमत करने लगे हैं। कहा जाता है कि तालीम के बगैर किसी समाज की तस्वीर नहीं बदलती है। हुकूमत की जानिब से हज भवन में चलाई जा रही बीपीएससी कोचिंग में पढ़ने वाले तलबा का हौसला देखने से बनता है। 68वीं बीपीएससी की तैयारी के लिए नया बैच हज भवन कोचिंग में कयाम पजीर है। मुल्क के मारूफ असातजा तलबा को पढ़ाने आते हैं। राशिद हुसैन से सुनिए कि यहाँ बीपीएससी की तैयारी करने वाले तलबा को क्या क्या सहूलतें फराहम कराई जाती है। यहाँ से हम लोग उनको गद्दे और बेडशीट से पिलो कवर्स, मॉस्किटो नेट, ये सारी चीज़ें हम लोग देंगे। ये सब लाने की ज़रूरत नहीं है इंशाल्लाह। वो सिर्फ़ अपने ब्लैंकेट्स और गर्म कपड़े लेकर के आएंगे, अपनी किताबें लेकर के आएंगे। और बाकी जो यहाँ पे जो स्टूडेंट्स लोग नॉन रेजिडेंशियल कैटेगरीज़ में हैं, लेकिन उनको यहाँ पे क्लासेस की सहूलत चाहिए, लाइब्रेरी की सहूलत चाहिए, तो वो लोग आकर के अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पे 5,000 रुपये सिक्योरिटी मनी हम की शक्ल में हम लोग लेते हैं, जो प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद पूरा का पूरा वापस कर दिया जाता है। और जो स्टूडेंट्स लोग यहाँ पे रिहायशी ज़ुमरे में रहेंगे यहाँ पे, उनके मेस बिल के लिए महीने भर का मीनू के साथ हम लोग एक खाना देते हैं तीनों वक्त का, उसके लिए हम लोग 4,500 रुपये लेते हैं, जिसमें 2 वक्त का चाय होता है और 3 वक्त का मीनू के साथ खाने का नज़म होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये अखराजात हैं। बाकी तमाम चीज़ें, स्टडी मटेरियल और कोचिंग और सारी चीज़ें फ्री में होंगी। टेस्ट सीरीज़ भी पूरे तौर से, मुकम्मल तौर से फ्री में हम लोग कराएंगे इंशाल्लाह। वीकली हम लोग टेस्ट सीरीज़ का इनेकाद करेंगे, उसके आंसर्स की इसको शेयर करेंगे और फिर उसके एक्सप्लेनेटरी नोट्स को भी हम लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट जो मौजूआत हैं, जो हमारे प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, उन मौजूआत के ऊपर कोहना मश्क असातज़ा की हेक्टिक क्लासेस होंगे, बहुत ही फोकस्ड क्लासेस होंगे इंशाल्लाह। और हम लोग वीकली टेस्ट भी लेंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा कुछ बुनियादी जो स्टडी मटेरियल्स हैं, वो हम लोग स्टडी मटेरियल्स का किट सारे बच्चों को देते हैं इंशाल्लाह। वो भी उसका भी उसकी भी तैयारी चल रही है। और इंशाल्लाह अगर सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक हुई तो ये सारी चीज़ें हम लोग करेंगे और इंशाल्लाह बहुत ही मुफीद साबित होगा। और इस बार का प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का जो हमारा प्रोग्राम है, वो पहले के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के हमारे प्रोग्राम से इंशाल्लाह और ही ज़्यादा बेहतर हो रही है। और फिर एग्ज़ामिनेशन के पैटर्न में भी तब्दीलियाँ आई हैं। निगेटिव मार्किंग पैटर्न को इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस के जो स्टैंडर्ड्स हैं या क्वेश्चंस का जो फॉर्मेट है, उसमें भी कुछ तब्दीली के इम्कान हैं। जैसे कुछ लोग बता रहे हैं कि असर्शन रीजनिंग टाइप के भी क्वेश्चंस इस बार से आना शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को मलूज खातिर रखते हुए इंशाल्लाह हम लोग मॉडल टेस्ट पेपर्स के ज़रिए से बच्चों को बेहतरीन मशक करा करके उनके प्रिपेयरनेस के लेवल को बहुत ही बेहतर सतह पे लाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। उसके लिए भी हम लोग बच्चों को तैयार करेंगे। और नेगेटिव मार्किंग के बुरे असरात से बचने के लिए क्या तदाबीर इख्तियार की जाए, उससे भी बच्चों को आगाह करेंगे। जो यहाँ की जो सहूलतें हैं, इंशाल्लाह उसमें इजाफ़ा ही करने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं बच्चियों के लिए, ख़ास तौर से यहाँ पर उनकी रिहाइश के लिए या उनके मुतालगा के लिए या उनको इजाफ़ी सहूलतें फराहम करने के लिए हम लोग कोशिश हैं। और इंशाल्लाह हम लोग और बेहतर सहूलियात फराहम करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे।